हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रोडोफ का क्वेश्चन नंबर 4.2। क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ पोजिशन वर्सेज टाइम। दूसरा, द वेलोसिटी प्रोजेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड ड्रॉ द प्लॉट वी वर्सेज एक्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नीट में और जेई में कई बार पूछा गया है और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं सर ये एसएचएम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर का टर्म है, इसलिए एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम में तो सर साइन का टर्म होता है, इसलिए एसएचएम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे लगा आएगा क्या कि जो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो ये इक्वेशन लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए बाई टू और यहां पे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस। ठीक है, अब यहां पे 2 ओमेगा टी हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अगर मैं इसको और अच्छे से देखूं तो ये लिखा हुआ है x माइनस ए बाई टू, इसको उधर भेज दिया और यहां पे क्या लिखा हुआ? यहां पे लिखा है माइनस का ए बाई टू और कॉस थीटा माइनस 90 बोलो या 90 माइनस थीटा बोलो, आता क्या है? साइन थीटा आता है। यह हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ऐसा लिखा है। तो देखा जाए ध्यान से, यार ये तो एसएचएम है। कैसे है? अगर आप इसको नोटिस करो तो ये क्या है? एक्स माइनस ए बाई टू मतलब ये ऑसिलेशन एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट तो नहीं है, लेकिन ये ऑसिलेशन या एसएचएम बोला जाए x is equal to a by 2 के about है। So this particle is oscillation in oscillation और बोलो this particle perform SHM about x is equal to a by 2. So this particle is in SHM about x is equal to a by 2. ठीक है, अब अगर मैं compare करूं तो मुझे पता चलेगा क्या? यहां amplitude की जो value आएगी वो आएगी a by 2. देखो a by 2 हो गया। अब रही बात टाइम पीरियड की, तो 2 पाई बाय t इज इक्वल टू ओमेगा होता है और यहां पे ओमेगा की वैल्यू है 2 ओमेगा, सो t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय ओमेगा। यहां पे जो t आएगा वो आएगा पाई बाय ओमेगा, ये आएगा, सो t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय ओमेगा। सो t तो हो जाएगा हमारा पाई बाय ओमेगा और एम्पलीट्यूड हो जाएगा a बाय 2। कंपेयर कर लिया हमने, ये एम्पलीट्यूड होता है और यहां जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है। ठीक है, अब रही बात ड्रॉ करने की, तो ड्रॉ करना तो बहुत आसान है। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? ये पूरा ग्राफ साइन का होगा, ये ग्राफ तो पूरा साइन का ड्रॉ होगा, है कि नहीं? और ड्रॉ किसके अबाउट होगा? x इज इक्वल टू ए बाई टू के अबाउट ड्रॉ होगा। तो अगर मैं बोलू ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन और ये है हमारा x इज इक्वल टू ए बाई टू। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये माइनस साइन का ग्राफ चलेगा, ये माइनस साइन का ग्राफ चलेगा और ये ऐसे ऑसिलेट करता हुआ चलेगा ऐसे ऐसे। तो ये ग्राफ आएगा पोजीशन वर्सेस टाइम का। तो सिंपल सी बात थी। अब रही बात मुझे निकालनी है वेलोसिटी। तो जो हमारे पास ये जो रिलेशन आया है एक्स माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस का ए बाई टू साइन 2 ओमेगा टी, ये जो आया है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डीएक्स बाई डीटी वेलोसिटी बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और यहां पे क्या आएगा? माइनस ए बाई टू इंटू 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, यही आएगा। तो जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा माइनस का ए ओमेगा और कॉस 2 ओमेगा टी। अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूं कैसे? देखो यहां पर मैं यहां लिखना शुरू करता हूं। अगर मैं x माइनस ए बाई टू डिवाइड बाई ए बाई टू लिखूं तो यहां साइन 2 ओमेगा टी बचेगा और यहां पे अगर मैं लिखूं v बाई ए ओमेगा यहां cos 2 ओमेगा टी बचेगा, फिर दोनों को स्क्वायर कर दूं और जोड़ दूं, इसका मतलब मैंने किसको किसको जोड़ा है? हमने sin स्क्वायर 2 ओमेगा टी और cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी को जोड़ा है,
क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो क्या आ रहा है, ये इलिप्स आ रहा है, ये इलिप्स आ रहा है, इलिप्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इलिप्स जो होगा, ये इसका सेंटर एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं होगा। अगर मैं वी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाऊंगा तो एक्स शिफ्ट होगा मेरा ए बाई टू पे, और एम्पलीट्यूड भी मेरा कितना है, ए बाई टू है, इसलिए ग्राफ अब ऐसा आएगा, थोड़ा ऐसा आएगा, इस टाइप का आएगा, बनेगा इलिप्स, लेकिन ये एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे शिफ्ट होके बनेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ आएगा, बनेगा इलिप्स, लेकिन कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ए बाई टू कॉमा जीरो पे शिफ्ट हो जाएगा। बस ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ हो जाएगा, और वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, और यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि एसएचएम है कि नहीं। एसएचएम देखने के लिए आपको फाइनली रिलेशन जो निकालना है वो पोजीशन वर्सेस टाइम का आना चाहिए, मतलब पोजीशन और टाइम का ऐसा आना, साइन कॉस का आना चाहिए। हाँ, अगर कोई बोले एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो बोलोगे नो, लेकिन एक्स इक्वल टू ए बाई टू के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं नीट में और जेई मेंस में आ सकता है ये, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।